गुरुग्राम की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में या फिर किसी सोसाइटी में हथियार के बल पर डकैती डालने वाले गिरोह का गुरुग्राम पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस बीती 13 मार्च को सेक्टर 65 के इम्पीरिया स्ट्रक्चर लिमिटेड सेक्टर 12 की कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की ओर से पुलिस को डकैती होने की शिकायत दी थी, जिसमें कंपनी में तैनात 5 सुरक्षा गार्ड को हथियार के बल पहले बंधक बनाया, उसके बाद तकरीबन 20 लाख का सामान ले वहां से फरार हो गए। पुलिस की माने तो वारदात में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की तफ्तीश जारी है। वहीं पुलिस इनसे गंभीरता से पूछताछ करने में लगी है। पुलिस की माने तो गिरोह में 8 से 10 युवक शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। छप्पन के थाने में दर्ज की गई थी। इसमें 3 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम एक का सागर है, ये बरोटा का रहने वाला है। दूसरा रवि है, ये लाढोला का रहने वाला है, तिगांव पीस तिगांव के एरिया का। और तीसरा है सुमित अली सन्नी, जो डमडमा का रहने वाला है। ये जो है 7-8 का ग्रुप है इनका, इस गैंग का, जो कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन या कहीं भी इस टाइप का सामान इनको मिलता है, एल्युमिनियम और ये जैसे कि फोटोस्टेट की मशीन है और माइक्रोवेव्स, स्टेबलाइज़र, टूल्स, प्रिंटर, ये कुछ चीज़ें इनसे रिकवर हुई हैं अभी। और इसी तरीके से एक FIR और है, जो कि इम्पीरियल माइंड कंस्ट्रक्शन साइट जो है उनसे उनका भी माना है इन्होंने। और काफ़ी सारी वारदातें इनमें से निकलने की उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी शिकायतें हैं इस बात की कि जहां अंडर कंस्ट्रक्शन या ऐसी कोई जगह जहां से ये अपने साथ 4-व्हीलर रखते थे और खुद ही उसमें लाद के, और जहां चौकीदार वगैरह होता था उसको काबू करके और ये सामान चोरी करके ले।